ਉੱਚਾ ਉੱਡਣ ਨਾ ਦੇਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾ ਦੇਵੀ ਤੇਰੀ ਡਫਲੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਡਫਲੀ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀ ਉਹ ਯਾਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰੀ ਦਾ ਜਲੂਸ ਵੇ ਕੱਲ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਵਟਸਐਪ ਤੇ जाता है कि हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जिन्हें सीखना और समझना बहुत टफ माना जाता है, पर जो सबसे इजी लैंग्वेज है वो है म्यूजिक, जिसे सबसे इजीली सीखा जा सकता है। और हमारे साथ ऐसे सिंगर्स हो तो बात ही क्या, आप भी सोच रहे होंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम अपने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के जेम से आपको मिलवाने जा रहे हैं। ये है अमरिंदर बॉबी जी। कहते हैं अगर आप सब अपनी आंखें बंद करके इनका म्यूजिक सुनेंगे तो आपको रियलाइज होगा जैसे आप गुरदास मान जी को लाइव सुन रहे हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको मिलवाते हैं अमरिंदर बॉबी जी से। हेलो सर, वेलकम टू टाइम। बहुत बहुत मेरे वालों सारे बहुत बहुत प्यार सत्कार सारे दर्शकों को। सर इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले हम चाहेंगे कि आप कोई दो लाइन से ही स्टार्ट कीजिए। वैसे तो हम लोग जी स्टार्टिंग करते हैं वंदना तो करते हैं। सर आप वही कीजिए क्योंकि हमें पता है बहुत डिवोशनल एल्बम्स में भी आपने म्यूजिक दिया हुआ है अपना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है अगर हमारी स्टार्टिंग ही किसी डिवोशनल सॉन्ग से की जाए तो। अव्वली अल्लाह नूरी उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया ओण पले को मंदे। वेरी गुड सर, स्टार्टिंग इतनी अच्छी है तो हमारा पूरी कवरेज बहुत अच्छी जाने वाली है। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए, आपने म्यूजिक की मतलब आपका जो एक जर्नी स्टार्ट की थी वो तब आप कितने साल के थे जब आपने अपना म्यूजिक लाइन में आपने अपना पहला स्टेप रखा था? मेरा जी सफ़र ये मान के चलो कि 4-5 साल की उम्र के बीच में गाना शुरू करता सी। फिर चौथी क्लास के पहली बार स्कूल गाया सी मैं, और मैं जो गाया सी मैं सब तो पहला गीत मेरे मुँह चो निकला सी हिंदी फिल्म का गीत सी यशोमती मैया से बोले न दिलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। उस तो बाद साढ़े स्कूल के लोहड़ी फंक्शन होंगे सी जी, उन्होंने साढ़े मैडम कह लग भी कोई बच्चा भी लोहड़ी पर कोई गीत तो कोई है थोड़े दिमाग जी कोई गाऊगा बच्चा, तो फिर मैंने हाथ खड़ा करता जी। अच्छा। मैंने उधर पहली बार फिर भाई गुरदास जी का गाना गाया सी दास मैं। तो घर में कैसे मतलब आप अपने फादर से इंस्पायर्ड थे या कैसे आपके माइंड में आया कि इतनी छोटी सी एज में आपने गाना गाना है? जी मेरे फादर मेरे पापा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जो रिटायर में उनका वो जो करे कोई ड्रामे की एक्टिंग करते स्क्रिप्ट करते होंगे कोई डायलॉग रटते होंगे मैं उन्होंने देखता होंगे कि अच्छा फिर उन्होंने गाना भी ना बस उदो मैं उन्होंने देख देख के सीखता रहा जी ये चीज़ें। तो जब आप स्कूल में आपने अपना पहला गाना गाया तो टीचर्स की तरफ से या आपके क्लासमेट्स की तरफ से क्या रिएक्शन मिला आपको? मेरे प्रिंसिपल मैडम ने जो सुनया ना उन्होंने स्टेज पर आके कहा भी बेटे कोई समा होगा तू भी मतलब इदा गाया करेंगे जिदा गुरदास जी गाते। सो उन्होंने बोल अज भी मेरे कन्ना च गूंजते हैं। एक बार मेरे ना बड़ी मज़ेदार गल हुई कि मैं स्कूल तो ही आ रहे मेरे पिछले बैग पाया मेरे असं दो स्टूडेंट से मान साहब का गाना जोड़ा मैं गाँव दिल का मामला गड़बड़ टुट गई तड़क करके वो तो गाना चल रहा सी दिल का मामला है मेरे बैग पाया मैं सोचा कितने कोई रिकॉर्ड चल रहा है। आँदे आँदे जी मैं जो नेड़े आई गए तो आवाज़ होर बधी गई तो फिर मैंने देखा साढ़े मोदी कॉलेज पटियाला मोदी कॉलेज है पटियाले मोदी कॉलेज के इन्हों की स्टेज लगी सी गुरदास मान जी की स्टेज और असी फ्री सी एंट्री कोई टिकट नहीं थी असी ना आके मुंडे बच्चे असी ए मूहे बह गए तो गुर मान साहब ने सामने इदा क्या कह रहे बच्चे थोड़ा पिछे पिछे होकर बैठे तो मैं बड़ा अच्छा लगे। तब आप कितने साल के थे? मैं होऊंगा जी 10-12 साल। अच्छा अच्छा। तो मैनू जो उन्होंने गल कही कि बच्चों पिछे पिछे होकर बैठो तो मैं बड़ी फील करता उन्होंने गलू कि अज मैं इतने बैठा कल मैं सोच नहीं सकता मैं उसी जगह पर गाँव 16 साल जी उन्होंने नाल ही मेरे गुजर गए मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा है मेरे लिए एक सरप्राइज सी समझ लो चाहे गॉड गिफ्ट समझ लो। जैसे हमने कहा कि गुरदास मान जी के साथ आप बहुत अटैच्ड हैं तो उनको कहते हैं कि आपकी आवाज़ भी उनसे बहुत सिमिलर है तो आप उनके मतलब अपने ही शब्द कुछ ऐसे सुनाइए कि जिससे हमें भी झलक उनकी देखने को मिले गुरदास मान जी की।
मेरा एक नवा गीत आ रहा जी, अर्ज सॉन्ग अर्ज। उस गीत मैं बोल सुना वो जल्दी रिलीज़ होने मतलब है टाइमिंग वो हैगी है और वो बोल है उच्चा उड्डण ना देवी थले डिगण ना देवी उच्चा उड्डण ना देवी ते थले डिगण ना देवी मेरी जिंदगी ऐसी कर दे जान तेरे कदमा विच रह जे इनी मेहर करी दाता कदे किते हथ अड्डना ना पै जे इनी मेहर करी साइया कदे किते हथ अड्डना ना पै जे। एक सॉन्ग और डफली, वो भी आपका बहुत सुंदर सॉन्ग है। अपने गुरु जी गुरदास मान जी लिखा भी सी मेरा अपना जी ते उना ली गाया जी सारा गीत। मेते कृपा गुरु गुरदास जी दी ओ जी ना चरनी लग कुछ सिखिया केंद्र गुरु बिना गल बन दी नी हाँ ए अकल भी दिती गुरदास जी दी गुरु वर्गा कोई भी नहीं बन सकदा गल इन्नी सौखी नहीं हो गल बड़ी खास जी दी ओ ता नच के यार मनो मुदाई ओ बाबे बुले दा रूप अवतार है जी तेरी डफली सोने वे दिल विच वजदी दिल विच वजदी पैरी बन्नी झांजर वे छण छण कर दी छण छण कर दी छण छण कर दी तेरी डफली सोने वे दिल विच वजदी दिल विच वजदी। सर गुरदास मान जी जब भी आपके इस नगमे को सुनेंगे शायद उनकी आंखों में आंसू भी आ जाएंगे। उन्होंने सुनिया अखा च आंसू वाली गल हुई है। असी वैनकूवर वैनकूवर सी असी शिप दे विच सारे इकट्ठे मतलब घूमन जा रहे सी ते उदों उन्होंने कहा भी चलो वे यार कुछ सुनाओ सारे नू नाल बठिंडे वाले भोला जी ने उन्होंने भी कहा कहते चल सुना यार चुटकले तो सुना उन्होंने तो मैंने कहते चल सुना बॉबी। जो मैं यह गीत उदो लिखे ही लिखे से जो मैं सुनाया तो उन्होंने अखा च पानी आ गए रोन लग गए तो मैं जाके सीधा उन्होंने पैरों गिर गया कहते यार गॉड ब्लैस यू। ना मैं हीर बना ते ना बना सोनी ते ना मैं सैबा बना ना ससी साडा मेल ता एथों तक सी पर हुण होना पैना वखो वखी कर विश्वास वे मैं तेरे पिछे घूमदी सी पता नहीं सी दिल वाले पाप दा का तो होई तू जवान तेनू जमदी नू मार दिंदे कला कला जी साडा आखदा वो तू तां कीता ना लेहा जी सोने मूह विचाड़ दित्ती मेरी नट ते वो यारा कढ दिता यारी दा जलूस वे कल वेख्या मैं वट्सएप ते यारा कढ दिता यारी दा जलूस वे कल वेख्या मैं वट्सएप ते हो। थैंक यू सो मच सर, यू आर ब्लेस्ड विद सोलफुल वॉइस। थैंक यू सो मच। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।